प्रेज द लॉर्ड एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आज शाम को और एक बार आपके घर में आकर पवित्र शास्त्र का अभ्यास करने में कितना सौभाग्य है और पवित्र शास्त्र से वचन पढ़ेंगे और आज शाम को मैं आपके साथ थोड़ी बातें बताने वाला हूँ उसमें से मैं सबसे पहली बात ये बताने वाला हूँ कि पवित्र आत्मा जब आदमी के अंदर आता है तो उसके अंदर कैसी फर्क होती है मैं आपको तीन बातें बताने वाला हूं पवित्र आत्मा जब आदमी के जीवन में आता है तो उसके अंदर कैसा बदलाव होता है जब हम देखेंगे परमेश्वर यीशु मसीह जब बताता है तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में था ध्यान रखना नवा करार कब से शुरू हो गया तो नवा करार जो है ये यीशु मसीह जब क्रॉस के ऊपर मरा और अपना लहू बहाया तब से वो करार शुरू हो गया बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने जब शिष्यों के साथ बैठा हुआ था और प्रभु लिया उस वक्त उसने कहा मैं तुम्हारे साथ करार कर रहा हूं नवे करार की शुरुआत मैथ्यू के पहले अध्याय से नहीं है नए करार की शुरुआत जब हम देखते हैं वो यीशु मसीह जब शिष्यों के साथ बैठा तब से है हम देखते हैं यीशु मसीह जो था वो जूना करार ही चालू था और उस वक्त यीशु मसीह ने जब कहा हम पढ़ेंगे आज मत के वचनों में से हम पढ़ेंगे यीशु मसीह यहाँ पर नए और जुने द्राक्षरस के बारे में बोल रहे हैं हम पढ़ेंगे तब युहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा क्या कारण है कि हम और फारसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते यीशु ने उनसे कहा क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक करते हैं पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा उस समय वे उपवास करेंगे कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं क्योंकि ऐसा करने से फट जाती हैं, और दाखरस बह जाता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। आज शाम को हम आपके सामने आते वक्त प्रार्थना करते हैं। आज शाम को अपने पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अंदर आप हमारे से बात कीजिए आपके वचनों के द्वारा हमें सिखाइए आपके वचनों के द्वारा हमें बताइए और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आज का पवित्र शास्त्र प्रभु आप आशीषित कीजिए यीशु के नाम से आमीन आमीन आज मैंने आपसे पवित्र शास्त्र से ये वचन पढ़े हैं, जिसके अंदर यीशु मसीह कहता है कि जुनाजुद्राक्षर से वो नए मशकों में नहीं भरा सकता है क्योंकि वो फट जाएगा और जूना जो कपड़े का पीस है वो नए उसमें नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर यीशु मसीह जो कह रहा है यीशु मसीह जूने करार और नए करार के बाद में कर रहा है और यीशु कह रहा है कि नया करार और जूना वो दोनों भी ज्वाइन मत करो जिससे कि तुम समझ न सकोगे जूना और नया और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि तुम जब नए करार के अंदर आओगे तो नया द्राक्षरस नई बॉटल में डालना और यहाँ पर मैं तुमको बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात जब पवित्र आत्मा आता है ये नए करार के अंदर हम देखते हैं जो नए करार के अंदर पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आता था और चले जाता था पवित्र आत्मा आके काम करता था और चले जाता था और जो कार्य के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा भेजता था वो कार्य करने के बाद पवित्र आत्मा वहां से चले जाता था और हम देखते थे जैसा सैमसन है सैमसन के ऊपर पवित्र आत्मा आता था हजारों लोगों को मारता था वो पवित्र आत्मा के ताकत से और बाद में पवित्र आत्मा चले जाने के बाद वो वापस नॉर्मल होता था पवित्र आत्मा वहाँ पर ऊपर आता था कार्य करता था और तो कार्य करने के बाद चले जाता था हम देखते थे मूसा जो है मूसा 40 दिन परमेश्वर के सामने खड़ा था और वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के सामने मूसा का चेहरा चमकने लगा ऊपर से जब 40 दिन के बाद वो नीचे आया तो धीरे धीरे हम देखते हो चमक निकलने लगी और हम देखते हैं कि वो जो प्रकाश था वो उसके चेहरे के ऊपर से धीरे धीरे कम होने लगा वो जो गौरव था परमेश्वर की महिमा थी वो धीरे धीरे कम होने लगी लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य जूने करार के अंदर पवित्र आत्मा आता था लोगों के ऊपर और चले जाता था लेकिन हम नए करार के अंदर देखते हैं नए करार के अंदर यीशु मसीह का लहू सबसे पहले आदमी को शुद्ध करता है और बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा उनके अंदर आता है हालेलुया पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और अंदर आके पवित्र आत्मा हमको कभी नहीं छोड़ता वो यीशु मसीह कहता है कि मरे दम तक वो हमारे साथ है वो हमको सिखाएगा वो हमको बताएगा और प्रभु के वचनों की याद दिलाएगा और पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो मैं तुम मैं तुमको बताता हूँ कि जो आदमी पवित्र आत्मा से नहीं भरा है और जो आदमी पवित्र आत्मा से भरा है उनके अंदर का फर्क मैं तुमको बताता हूँ जब पवित्र आत्मा से आदमी भर जाता है तो वो जूना जो ट्रेडिशन है वो तोड़ वो टूट जाता है वो नए आत्मा से परमेश्वर के नाते में बढ़ता है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पद्धत से नहीं परमेश्वर नाता बांधने के लिए हमारे साथ आया है और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर नाता बांधने के लिए आता है तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा आदमी के जीवन में आता है आदमी के शरीर में आता है तो बाइबल में लिखा है जब हम पढ़ेंगे पौलुस यहाँ पर कहता है प, पौलुस यहाँ पर कहता है कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो पहला कंतीकरण करन्द का तीसरा अध्याय और सोलहवें वचन में हम देखेंगे पौलुस क्या कहता है नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और का परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है हाँ परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तुम में बस्ती करता है तुम्हारे में रहता है क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और बताता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर क्यों हो क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे पे वस्ती करता है तुम्हारे में वास करता है परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आया है तुम कह लो हर मंदिर जब हम जाते हैं तो मंदिर का इमेज रहता है और मंदिर के आत्मे मु, अंदर मूर्ति रहती है वैसे ही हर मंदिर के अंदर इमेज रहता है और मूर्ति रहती है वैसे हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है और यीशु मसीह का इमेज यीशु मसीह का रूप हम हमारे चेहरे के ऊपर देखना है हमारे जीवन के अंदर देखना है हालेलुया प्रेज द अ गुड रेवोल्यूशन वापस मैं कहूंगा परमेश्वर का आत्मा हमारे में है हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और हमारा जो स्वभाव है वो परमेश्वर का इमेज परमेश्वर का रूप ये हमारे अंदर है और ध्यान रखना जिसके शरीर के अंदर पवित्र आत्मा आता है वही शरीर परमेश्वर का मंदिर बनता है अभी मैंने बहुत से लोगों को सुना है गाने अच्छे अच्छे गाने हैं जो लोग लिखते हैं मैं मेरे को बहुत पसंद आते गाने जैसा कि एक गाना है जिसके अंदर लिखा है जब उन्होंने मुझसे कहा कि हम पर च, च, हम परमेश्वर के घर जाएंगे जब उन्होंने कहा हम परमेश्वर के घर जाएंगे मेरा मन आनंदित हुआ मेरा मन उल्लासित हुआ जब उन्होंने कहा कि चलो हम परमेश्वर के मंदिर जाएंगे ये कितना सुंदर वचन है लेकिन ये जुने करार का वचन है हम देखते हैं जुने करार के अंदर हम देखते हैं लोग मंदिर में जाया करते थे और मंदिर देखते हैं हम कि मूसा ने बनाया हुआ मंदिर हम देखते हैं सोलोमन ने बनाया हुआ मंदिर हम देखते हैं इसराइल के अंदर जेरूसलम जो मंदिर हम देखते ये मंदिर के अंदर लोग जाते थे और वो मंदिर जो है वो आदमी इंसान नहीं था वो मंदिर जो है वो बांधाम बिल्डिंग थी लेकिन हम देखते हैं नए करार के अंदर हम देखते हैं कि बिल्डिंग मंदिर नहीं है नए करार के अंदर हम देखते हैं कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर हो जाता है और परमेश्वर हमारे शरीर को मंदिर बनाया है और अभी परमेश्वर हाँ आदमी के हाथ से, से बने हुए बिल्डिंग में इटकर और पत्थर से बने हुए बिल्डिंग में नहीं रहता है लेकिन परमेश्वर आदमी के शरीर के अंदर वस्ती करता है हाल लुहिया रेवलेशन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग बोलते हैं जब जब मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के घर पर जाएंगे तो मेरा मन आनंदित हुआ उल्लास हुआ प्रेस हुआ लेकिन हम परमेश्वर के घर में नहीं जाते हैं हम परमेश्वर के घर बन गए हैं आज हम परमेश्वर के घर है बहुत से लोग मेरे पास आते हैं बोलते पास्टर संडे के दिन चर्च में आना महत्व का है क्या मैं उनको कहता हूं संडे के दिन चर्च में आना तुम्हारे लिए महत्व का नहीं है संडे के दिन चर्च में आना उनके लिए महत्व का है जो परमेश्वर का मंदिर है हाल बाइबल में लिखा है हम यीशु की एक दे के अलग अलग हिस्से हैं अलग अलग भाग हैं ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट हम यीशु के शरीर के अलग अलग सदस्य हैं हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे वापस वचन हम पढ़ेंगे पहला का बारहवा अध्याय बारह और तेरा क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है यीशु मसीह के देह की बात कर रहा है और उसके अंग बहुत से है और उसके अंग बहुत से है हमारा एक देह है उसके अंग बहुत से है और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है हाँ एक देह के बहुत से बहुत से हिस्से हैं और हम देखते हैं कि ये सब एक होने के बाद भी एक ही देह है उसी प्रकार भी है ध्यान रखना बाइबल में लिखा है हम सब यीशु मसीह के देह है यीशु मसीह एक शरीर है जिसके हम सब भाग है बाइबल से वी आर द मेंबर्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट हम सब यीशु मसीह के शरीर के सदस्य है मेंबर है हम सब यीशु मसीह के शरीर के भाग है हिस्से है हम सब अलग अलग जगह के ऊपर आज सब अलग अलग घर में बैठे लेकिन हम सब एक रोटी है हम संडे के दिन जब आते हैं चर्च में तो एक रोटी को हम तोड़ते हैं और हम सब उसका भाग लेते हैं हम सब बताते हैं कि हम सब ये एक रोटी के भाग है वैसा एक यशु के हम सब भाग है हम जब चर्च में आते हैं तो एक शरीर बनता है लेकिन जब हम चर्च में से भाग जाते हैं तो हम अलग अलग भी हो तो हम यीशु का शरीर है बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जीवित ढूंढे से मंदिर बांधा है जीवित पत्थर से पहले के जूने जमाने में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो और हम देखते हैं बहुत से ट्रेडिशनल जगह पे हम देखते हैं कि वहाँ के चर्चे जो है वो दीवार से और ईट से और पत्थर से बांधी गई होती है और हम देखते हैं उसी तरह से लेकिन परमेश्वर अभी आध्यात्मिक चर्च बना रहा है और पहले हम देखते हैं पहले की जो बातें हैं वो देहिक है लेकिन अभी परमेश्वर आध्यात्मिक कर रहा है और जब परमेश्वर हमको चुना है तो हमको आध्यात्मिक बनाया है और आज बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर के मंदिर के जिंदे जीवित पत्थर हैं आइए हम पढ़ेंगे सेकंड पीटर के अंदर हम पढ़ेंगे तुम भी पहला पीटर पीटर के दो, सर, दो पांच के अंदर हम पढ़ेंगे तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो तुम भी आप जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो ईसु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है यहाँ पर लिखा है हम भी परमेश्वर ने हमको जीवित पत्थर से मंदिर बना रहा है हम जीवित पत्थर से परमेश्वर बना रहे आज जैसे हम देखते एक आधा मंदिर बनाते टाइम हम देखते पत्थर लगाते हैं वैसे आप और मैं ये मंदिर के पत्थर है जब संडे के दिन हम सब आते हैं तो पूरी कलिसिया पूरा चर्च पूरा मंदिर हम एक हो जाता है और यही चर्च है जो कलिसिया आज परमेश्वर बना रहा है आज भले हम अलग अलग घर में हो लेकिन ध्यान रखना हम सब यीशु मसीह की देह है जो एक देह आज अलग अलग जगह के ऊपर है और हम संडे के दिन जब सब मिलते हैं तो हम एक देह हो जाते हैं परमेश्वर हमको मंदिर बना रहा है और मैंने हमेशा देखा है बहुत जगह के ऊपर के जूने करार के अंदर मंदिर जो है वो ईट से पत्थर से पर्दों से और अलग अलग स्किन से बनाई गई थे लेकिन मैं देखता हूँ आज भी बहुत से चर्चे ऐसे हैं जो लोगों को लगता है हमारा चर्च यानी जो बिल्डिंग है उसको चर्च बनाते हैं और बिल्डिंग को चर्च बनाते हैं और वो बोलते हैं कि ये बिल्डिंग हमारा चर्च है और बहुत से लोग बोलेंगे पास्टर हमको ये मालूम है हमको ये मालूम है हमने ये प्रचार भी किया लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूँ रुको मैं आपको मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप बोलते हो कि आज मैंने बहुतों को प्रीचिंग करते सुना हुआ है लेकिन और मैंने सुना है तुमको प्रीचिंग करते वक्त और तुमने कहा है कि ये बिल्डिंग जो है ये चर्च नहीं है जो लोग हैं बिल्डिंग के अंदर ये चर्च है लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ ये भी सच है लेकिन इससे रियल सच तो ये है कि वो लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं

तो मैंने देखा बहुत से लोगों को प्रचार करते वक्त मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि प्रचार के अंदर बहुतों को प्रगटीकरण मिला है और प्रगटीकरण से खुश है कि और प्रगटीकरण मैंने देखा है फेसबुक के ऊपर मैंने देखा है बिल्डिंग जो है वो मंदिर वो वो चर्च नहीं है लोग जो है वो चर्च है लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ तुम सच कह रहे हो लेकिन सच के अंदर भी एक और सच्चाई है कि सब प्रकार के लोग चर्च नहीं है वही लोग जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वही लोग जिन्होंने यशु मसीह को स्वीकार किया है, वही लोग जो बपतिस्मा लिए हैं वही लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया है और जिनके अंदर पवित्र आत्मा आया है वही एक चर्च बन सकते हैं वही यशु की देह बन सकते हैं सब शरीर को अगर जो कुछ एक करता है तो पवित्र आत्मा है जो यीशु के जो शुद्ध हुए हैं, यीशु के लहू से शुद्ध हुए छुटकारा पाए हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है जो पवित्र आत्मा से भरे हैं और जो पवित्र आत्मा से आज चलाए गए हैं, वही परमेश्वर के पुत्र है आज मैं तुमको सच कहता हूं बहुत से लोग प्रचार करते हैं और प्रचार करते हैं। हम साक्ष्य देते मैंने सुना अरे ये तू क्या कर रहा है तू सिगरेट पी रहा है तू दारू पी रहा है तू गालियां दे रहा है तू रहा है तेरे को मालूम नहीं तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और तू पाप कर रहा है तुमको एक बात बोलूं वो आदमी भी सोचते रहता है मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर कब था कैसे था मैं तुमको सच कहता हूं सब लोगों का शरीर परमेश्वर का मंदिर नहीं है वही शरीर परमेश्वर का मंदिर है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वस्ती करता है और मैं कहूंगा वही शरीर परमेश्वर का मंदिर है जिसके अंदर पवित्र आत्मा वस्ती करता है वो शरीर को दारू पीना सिगरेट पीना गंदी गालियां देना देहिक रीति से रहना पापियों की तरह से रहना वो आदमी के लिए गलत है जो आदमी ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया यो, जो आदमी ने पवित्र आत्मा स्वीकार नहीं किया उसके लिए पाप नहीं है उसके लिए गुना नहीं है बाइबल में लिखा है उनका गुना यही है उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को स्वीकार नहीं किया और कुछ गुना नहीं है और कुछ गुना नहीं है उनका यही गुना है कि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को रिजेक्ट किया स्वीकारा नहीं है जिसने परमेश्वर के पुत्र को स्वीकार किया उसी का शरीर परमेश्वर का मंदिर बनता है उसी के शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा आता है और वही शरीर जो है जिसके लिए आज दुनिया की तरह रहना गुना है गलत है आज हम बदल जाएंगे आज हम देखेंगे आज मैं तुमको सच कहता हूँ सब चर्चेस मंदिर सब बिल्डिंग जो है उसको हम नहीं बोल सकते सब लोगों को नहीं बोल सकते आज मैं आपको बताता हूँ दो प्रकार के लोग चर्च के अंदर आते हैं एक टाइम लोग मेरे को बोलते हैं क्या हम चर्च में आना है मैं उनको बोलता हूँ कि तुमको चर्च में आने की जरूरत नहीं चर्च तो सिर्फ येशु मसीह का ही कलिसिया है यशु मसीह का शरीर है अगर जो तू यशु मसीह का शरीर है तो संडे के दिन सुबह वो शरीर को एकत्र होना महत्व का है हालेलुया प्रेज बहुत से लोग सीरियस नहीं है बहुत से लोगों को लगता है परमेश्वर नहीं परमेश्वर अपने के द्वारा कार्य करता है चर्च परमेश्वर का मंदिर है, और ये चर्च कौन सा है? सब शरीर एकत्र होकर चर्च है थोड़े लोग चर्च में आते हैं और चर्च में आकर वो परमेश्वर का आशीर्वाद लेते हैं परमेश्वर के आशीर्वाद लेते हैं प्रार्थना करते हैं चर्च के अंदर परमेश्वर की चमक देखते हैं आशीर्वाद लेते हैं वापस जाते हैं मेरे साथ हम प्रगति का एक तेरा पढ़ेंगे हम और उन दिवटों के बीच में और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा मनुष्य पुत्र मनुष्य के पुत्र जैसा एक पुरुष को देखा यहाँ पर हम देखते हैं योहान क्या बोलता है आई सो हिम इन द मिट्स ऑफ द कैंडल स्टिक यहाँ पर बोलते हैं समय के बीच में जो सात समय है उसके बीच में यीशु मसीह दिखा योहान को सात समय जो है ये सात कलिसिया का काल ये जो सात समय सात कलिसिया सात चर्च का चित्र है जिसके अंदर यीशु मसीह है और उसके अंदर प्रकाश है और हम देखते हैं उसके अंदर चमक है और उसके अंदर लाइट है आज हम देखते हैं दो प्रकार के लोग हैं एक प्रकार के लोग चर्च में आते हैं चर्च के प्रकाश को देखते हैं आशीर्वाद लेते हैं आध्यात्मिक जीवन के अंदर थोड़े से खुश होते हैं बहुत मजा करते हैं आनंद करते हैं दूसरों के जैसा वो भी बोलते हैं हम प्रकाश में आ गए हैं सब कुछ देखते हैं लेकिन जब वो वहां से वापस घर जाते हैं तो वापस अंधकार में जाते हैं चर्च का थोड़ा आनंद मनाते हो चर्च में आके तो जैसे पाँच हजार लोग आके उन्होंने यीशु मसीह की रोटी खाई यीशु मसीह के साथ चमत्कार देखा लेकिन जब वो वापस गए तो वो अकेले ही थे लेकिन जब चर्च वापस जाता है तो चर्च यीशु मसीह का शरीर बन के जाता है उसके अंदर पवित्र आत्मा की अग्नि रहती है वो जहां पर भी जाते हैं वहां पर पवित्र आत्मा की अग्नि रहती है हालेलुया हाल लुहिया आज बहुत महत्व का है जब तक पवित्र आत्मा हमारे शरीर में नहीं आता है तब तक बदलने होता है मेरे भाई बहनों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ आज पवित्र आत्मा के बारे में बहुत से लोग आज के बहुत से अलग अलग बातें कहते हैं मैंने बहुतों तो को सुना है बहुत से लोगों को मैंने सुना हूँ अच्छे से अच्छे शिक्षण देते हैं लेकिन जब पवित्र आत्मा के ऊपर आता है वो बहक जाते हैं मैंने देखा है लोग को पवित्र आत्मा के बारे में अलग अलग बातें करते वक्त मैंने सुना हूँ मैंने सुना हूँ कोई बोलता है ये अन्य भाषा नहीं है कोई बोलता है ये सबके लिए नहीं है कोई बोलता है कि तुमको अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना चाहिए कोई बोलता है जब तुम बाप्तिस मिलिए तभी वही तुम्हारा पवित्र आत्मा आ गया है <इन्या> कोई बोलता है कि तुम ये है कोई बोलता है तुम वो है मैंने बहुत से बात सुना है कोई बोलता है पवित्र आत्मा में जब तुम प्रार्थना करोगे तो अन्य भाषा है वो अलग अलग देश की भाषा है उसको बोलते हैं अन्य भाषा कोई बोलता है कि जब तुम पवित्र आत्मा भाषा करोगे तो उसका भाषांतर कोई बोलता है ये कोई बोलता है वो बहुत सी बातें मैंने सुना है लेकिन मैं तुमको सच कहता हूं तुम किसके पास जा रहे हो किसके पास जा रहे हो तुम पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मांगने के लिए तुम किसके पास जा रहे हो पवित्र आत्मा के बारे में सुनने के लिए क्या मैं तुमसे एक बात कहूं आदमी तुमको क्या बताएगा जिसने खुद अनुभव नहीं लिया है? वो आदमी तुमको क्या बताएगा जिसने खुद पवित्र आत्मा नहीं पाया है वह आदमी तुमको क्या बताएगा जिसने खुद उसको नहीं देखा है बाइबल में लिखा है अंधे के पीछे अंधा चलता है और दोनों भी खड्डे में गिरते हैं ऐसे व्यक्ति के पास क्यों जाते हो बहुतों के पास बहुत से अच्छे से अच्छे टीचिंग है लेकिन जब पवित्र आत्मा के पास आता है तो वो पवित्र आत्मा के अंदर बहका देते हैं क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया है उन्होंने पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं लिया है और वो दूसरों को भी लेने नहीं देते हैं मैं तुमको सच कहता हूँ एक आदमी के साथ मैं बात कर रहा था और वो मेरे को पवित्र आत्मा के बारे में बहुत अलग अलग बातें बता रहा था ये वो और मैंने उससे

गपचुप रहना ठीक है शांत रहना ठीक है मैं तुमको रिक्वेस्ट करूंगा बहुतों को परमेश्वर के काम के अंदर अड़खड़ा मत डालो जो बातें तुमको नहीं मालूम है घुटनों पर जाओ प्रभु तुमको सिखा प्रभु क्या यह सच है क्या और परमेश्वर तुमको सहायता करेगा परमेश्वर तुमको मार्गदर्शन करेगा और परमेश्वर तुमको तुमको मालूम है मूसा ने जब लोगों को वहां से लेकर गया मिस्र से छुड़ाया और जब अभिवर्सन के देश में लेकर गया मूसा ने 40 साल लोगों के साथ था और 40 साल मूसा ने उनको अभिवर्सन के देश में से लेके गया लेकिन तुमको मालूम है मूसा ने उनको 40 साल लेके जाने के पहले मैं देखता हूं 40 साल परमेश्वर ने मूसा को जंगल का अनुभव दिया जहां पर तुम नहीं गए हो तुम लोगों को क्या लेके जा सकोगे जो तुमने नहीं देखा तुम लोगों को क्या दिखाओगे तुम कैसे गाइड बनोगे मूसा चालीस साल जंगल के अंदर रहा इसलिए तो वो लोगों को चालीस साल जंगल के अंदर लेके जा सका क्योंकि वो उसके पहले जो अनुभव तुमने नहीं लिया तुम क्या लोगों को सिखाओगे आई एम सॉरी टू से दैट वट यू हैव नॉट एक्सपीरियंस डोंट स्पीक इज बेटर टू बी साइलेंट बेटर टू से आई एम साइलेंट अबाउट इट लॉर्ड यू डू इट वट आई डोंट नो आई ट्रस्ट गॉड टू गाइड लेट इज बी साइलेंट आज गॉड तो गाय आज लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है आज लोगों को परमेश्वर के पीछे चलाना है जो बातें मेरे को नहीं मालूम वो मेरे को वो लोगों को बताना है और परमेश्वर तुम मुझे बता जो बातें मेरे को नहीं मालूम मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को नहीं मालूम है तुमको मालूम है आज एक ग्रेट इनसिक्योरिटी लोगों के जीवन के अंदर है लोगों को ऐसा लगता है कि जब मैं लोगों को बताऊंगा कि मेरे को नहीं मालूम तो बहुत से लोग मेरे को छोड़ के चले जाएंगे मेरे चाहने वाले मेरे पीछे मेरे को लाइक करने वाले मेरे जो व्यूअर है मेरे जो पीछे आने वाले वो छोड़कर और कहीं पर चले जाएंगे लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ परमेश्वर ने फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री बनाया है पांच सेवकाई बनाई है अब कलिसिया को भरपूरी से और कलिसिया को परफेक्ट के लिए परफेक्शन के लिए रेस प्रेन आज गॉड आज गॉड जो बातें नहीं मालूम है परमेश्वर आज प्रकट कर रहा है जो बातें तुमको नहीं मालूम है उसमें आप संभाल कर रहिए अपने आप को एक आइडल इमेज करने की जरूरत नहीं है अगर जो मैं प्रार्थना करता हूं अगर जो मैं प्रार्थना करता हूँ कोई नहीं गिरता है और कोई प्रार्थना करता है गिरता है तो मुझे जबरदस्ती गिराने की या जो गिर रहे हैं उनके विरुद्ध बोलने की जरूरत नहीं है मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हम किसी का न्याय निवारण नहीं करेंगे हम यहाँ पर किसी का न्याय निवाड़ा करने के लिए नहीं हम यहाँ पर सच्चाई बताने के लिए तो आइए भाइयों हम देखेंगे यहाँ पर एक प्रगति कर मैं तुमको बोलता हूं कि आज मैं तुमको बोलता हूँ पवित्र आत्मा देह के अंदर आने के सिवा ये बदल हो नहीं सकते आज चर्चेस के अंदर मैं तुमको सच कहता हूँ चर्चेस के अंदर लोग जन्मे है चर्चेस के अंदर लोग बड़े है और चर्चेस के अंदर लोग ऐसे ही है लेकिन परमेश्वर का अनुभव नहीं है साधु सुंदर सिंह कहते हैं एक पत्थर को एक बड़े पत्थर को एक नदी में से बाहर निकाला गया 200 साल पुराना वो पत्थर जो नदी के अंदर 200 साल था वो और 200 साल वो पत्थर को नदी में से बाहर निकाला और पत्थर को तोड़ा तो वो पत्थर के अंदर जो सूखा ड्राइजनेस था वो ड्राई था बाहर 200 साल वो पानी में था लेकिन अंदर सूखा ही था वैसे आज से हम देखते हैं लेकिन अंदर से सूखे हैं आज पवित्र आत्मा अंदर आना चाहता है पवित्र आत्मा बाइबल से बिलीव एंड आउट ऑफ योर बैली द रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर विल फ्लो विश्वास कर विश्वास कर तो तेरे हृदय में से पवित्र आत्मा का झरना निकलेगा जब परमेश्वर परमेश्वर का वचन आता है जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो आदमी को वो बदल देता है आदमी के जीवन को बदल देता है आदमी को समझता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा आया है आदमी को बदल समझता है आदमी को तारण क्या है समझता है और मैं तुमको सच कहता हूं आज सच्चाई से पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज मैं कहता हूं जो लोगों को पवित्र आत्मा मालूम नहीं है आज मैं कहता हूं अपने घुटनों पर जाओ किसी को मांगने की जरूरत नहीं है मैं तुमको सच कहता हूं कि बहुत से किताब जो है वो किताब के जो लिखने वाले हैं वो मर गए ऑथर जो लेखक है वो मर गए और जो भी बहुत सी किताब जो आज लिख रहे हैं वो भी एक दिन मर जाएंगे लेकिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा जिसने जो बाइबल लिखा है वो लेखक अभी तक जीवित है आप उसके पास जाइए उसको पूछिए वो तुम्हें जरूर मार्गदर्शन करेगा बाइबल में है वो तुम्हारे दिल के अंदर वो विटनेस गवाह गवा बन के रहेंगे विटनेस इन योर हार्ट हाल ऐसे लोगों के पास मत जाओ जिसने अनुभव नहीं किया है मैं तुमको सच कहता हूं ऐसे लोगों के पास मत जाओ जिसने अनुभव नहीं किया है जो आदमी जाड़ा है मोटा है उसके पास मत जाओ पतला कैसा है पूछने के लिए जो आदमी के पास बाल नहीं है उसके पास क्लासेस मत लो कि बाल कैसे आना है जो आदमी के पास एक आधी बात नहीं है उसके पास मत जाओ जो आदमी के पास पैसे नहीं है उसके पास सीखने के लिए मत जाओ कि पैसे कैसे कमाना है पैसे क्यों वो आदमी तुमको बहकाएंगा वो आदमी तुमको बताएंगा लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ सच नहीं बता सकेंगे उसके पास जाओ जो इसके ऊपर विजय मिलाया है उसके पास जाओ जिसने इसका अनुभव किया है ऐसे लोगों के पास जाओ जो पवित्र आत्मा का अनुभव लिए हैं ऐसे लोगों के पास जाओ जो पवित्र आत्मा से भरे हैं ऐसे लोगों के पास जाओ जिसको जिसके पास पवित्र आत्मा का दान है और उनसे पूछो क्योंकि ये जो लोग पवित्र आत्मा के विरुद्ध तुमको सिखाएंगे वो भी ऐसे लोगों से सीखेंगे ऐसे लोगों से पकड़ेंगे जो उनके साथ हैं मैं तुमको सच कहता हूं पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में आना बहुत ही मत हमारे विचारों से पवित्र आत्मा को मत रुकाओ. हमारे विचारों से नहीं परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में आने दो आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आना बहुत ही महत्व का है हाल लोहिया जब पवित्र आत्मा आता है हमारे अंदर बदल करके जाता है वो चोज को बांधता है आज कली से आज कौन बांधता है तो पवित्र आत्मा बांधता है तोड़ना है पवित्र आत्मा, आत्मा, आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वो क्या करता है पद्धत को तोड़ता है आज जो नया करार और जूने करार का कर जो फर्क है ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के बाद समझता है आज हम देखते है जूना करार और नया करार हम देखते हैं एक पद्धत बहुत सी पद्धत बन चुकी है यह पद्धत को तोड़ना है जैसे कि लिखा गया है कि जुने करार में बहुत से औरत हो सकते थे शादी कर सकते थे नए करार में क्यों नहीं नया करार के अंदर क्यों एक औरत और क्यों एक आदमी यीशु ने कहा लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ क्योंकि जुने करार के अंदर हमारे शरीर के अंदर पवित्र आत्मा नहीं आया था हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर नहीं था लेकिन नए करार के अंदर पवित्र आत्मा हमारे शरीर के अंदर आ गया और हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन गया है और जैसा हम देखते हैं हमारे यीशु का एक सर और एक चर्च एक शरीर एक सर और एक शरीर वैसे हम देखते हैं यीशु मसीह मस्तक और चर्च शरीर एक चर्च और एक यीशु एक यीशु और एक चर्च वैसे ही हम देखते हैं एक मर्द और एक, 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 एक वाइफ ऐसा लिखा गया है पवित्र आत्मा शरीर के अंदर आने के बाद बहुत सी बातें बदल जाती है और ये जो बदल होती है ये पवित्र आत्मा करता है हमको सिखाता है और आज हमको पद्धत को तोड़ना है और जो पद्धत से हम बांधे हैं बहुत से लोगों ने चर्च को ऐसे पद्धत से बांधे है कि वो पद्धत के बाहर लोगों को बाहर निकलने नहीं देते लेकिन वो पद्धत को तोड़ना है और हमको नई से आगे बढ़ना है वेरी इंपॉर्टेंट आज मैं तुमसे बात करूंगा जैसा मतई के छवे अध्याय में और नौवे वचन में हम एक प्रार्थना सुनते हैं जो प्रार्थना के अंदर यीशु मसीह ने शिष्यों को सिखाई है वो प्रार्थना बहुत ही सुंदर प्रार्थना है और ये प्रार्थना के अंदर यीशु मसीह ने सिखाई है और हम देखते हैं पूरी दुनिया में ये प्रार्थना की जाती है ये प्रार्थना के अंदर गाने बनाए गए हैं हम देखते हैं चर्च के अंदर पद्धत से यह प्रार्थना की जाती है बहुत ठिकाने हम देखते हैं अलग अलग बातों के अंदर ये प्रार्थना की जाती है अलग अलग जगह पर प्रार्थना की जाती है और ये प्रार्थना एक ऐसा है वो हमको कुछ तो पवित्रता ऐसा लगता है कि यीशु ने सिखाया है वो बोलने से हमको लगता है कि हम कुछ तो परमेश्वर की आज्ञा पूरी कर रहे हैं हम देखते हैं घर के

वो कब कही है जब यीशु मसीह मैंने तुमसे कहा कि जब भी नया करार जो शुरुआत हो गई तो वह यीशु मसीह जो शिष्यों के साथ बैठा था और उसने प्रभुभन तोड़ा तभी कहा कि मैं तुम्हारे साथ नया करार करता हूँ ये मेरा लहू है और जो क्रॉस के ऊपर लहू बहाया उससे उसने नया करार किया नए करार की शुरुआत तब से हो गई उसके पहले यशु मसीह का जन्म यशु मसीह का बपतिस्मा यशु मसीह का सब लोगों को सिखाना ये सब जुनाई करार था जो नियम के अंदर सब चल रहा था हम देखते यशु मसीह

तब उसने ये प्रार्थना सिखाई लेकिन हम देखते हैं यह प्रार्थना कितनी खूबसूरत और कितनी सुंदर इसे प्रभु ने सिखाई ये प्रार्थना तब तक के लिए थी कि यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर मरेंगे जब हम युवान के सोलावा अध्याय और तेवीसवें वचन के अंदर पढ़ेंगे उसके अंदर यीशु मसीह कहता है कि अभी तक तुमने मेरे पास से कुछ नहीं मांगा मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा लेकिन इसके आगे जब तुम पिता के पास मेरे नाम से मांगोगे पिता तुमको देगा अभी यीशु मसीह सिखाता है कि उसके नाम से प्रार्थना करना उसके नाम से बोलना और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये प्रार्थना हम देखेंगे हम पढ़ेंगे मते का अध्याय नौवा वचन अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो हे हमारे पिता हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरा राज्य आए तेरी तो इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा पृथ्वी पर भी हो हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह ने कहा है hey पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज आए आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर जो मैं आज ये प्रार्थना करूंगा तेरा राज आए तो फिर यीशु मसीह कौन था यीशु मसीह लोगों के बीच में कहता है कि मैं तुमको सच कहता हूं परमेश्वर का राज आया है और वो तुम्हारे बीच में है ये वचन यीशु मसीह ने कहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं परमेश्वर का राज्य आया है और वो तुम्हारे बीच में है और अगर जो मैं कहूंगा तेरा राज आए तो फिर यीशु मसीह मर कर बाइबल में लिखा है वो गाढ़ा गया तिर सन वापस जीव उठाओ उसका पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने कहा हमारे अंदर दिया है और आज परमेश्वर का राज्य तुम्हारे और मेरे अंदर है आज परमेश्वर अगर जो कहीं पर राज्य करता है तो तुम्हारे और मेरे अंदर करता है हाल लोहिया प्रेस चलो बाइबल में लिखा है वो सात कलीसिया के बीच में था आज भी यीशु मसीह है अपने कलीसिया के बीच में है और आज अगर जो दुनिया में यीशु मसीह कहीं पर राज्य करता है तो यीशु मसीह के लोगों के अंदर यीशु राज्य करता है तुम्हारे और मेरे हृदय पर राज ईश्वर राज्य करता है आज वो तुम्हारा और मेरा राजा है आज जब मैं कहूंगा तेरा राज आने दे तो मैं बोलता हूं कि प्रभु तू कौन है फिर ये क्या है ये तो प्रभु का राज है हम आगे बढ़ेंगे और और एक दो बातें देखेंगे हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे आगे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा की वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर यीशु मसीह कहता है आज की रोटी तो हमको दे लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ येसु मसीह कहता है कि क्या खाना क्या पहनना ये तो सब जो है ये विधर्मी लोग जो है बाइबल में लिखा है जो हिदन लोग है वो मांगते हैं तुम तो पुत्र है तुम क्यों चिंता करते हो क्या खाना है और क्या पीना है बाइबल में लिखा है जिन्होंने उसको स्वीकार किया उसको उसने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया आज वो आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर है वो आत्मा जो यीशु मसीह ने कहा हे अबा हे पिता सिर्फ अबा और पिता बोलने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को ही था क्योंकि वो पिता का पुत्र था उसने कहा हे पिता और वो अधिकार यीशु मसीह ने मर के पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया और वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो अधिकार बाइबल में लिखा है अभी आत्मा हमारे अंदर बाइबल में लिखा है द स्प्रेड इन अस कॉलिंग हिम अब्बा एंड फादर वही आत्मा यीशु मसीह का आज हमारे अंदर है जो बोलता है अब्बा और पिता यीशु मसीह का आत्मा स्वीकार किया सिवा हम उसको अब्बा और पिता बोल नहीं सकते आज वो आत्मा हमारे अंदर है जो उसको अब्बा और पिता बुलाता है आज की रोटी हमको दे वो बोलता है तुम मांगने के पहले वो तुम्हें देता है मेरा परमेश्वर मेरी सब जरूरतों को यीशु मसीह के अंदर पूरा करता है तीसरी बात हम देखते हैं यहां पर वो कहता है जैसा हम दूसरों को क्षमा करते दूसरे के अपराधों को क्षमा करते वैसा तो हमको क्षमा कर अभी यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा है अभी तक मेरे लिए कुछ नहीं हो गया है अभी तक मैं क्रॉस पे मरा नहीं हूं उसने कहा है तू जैसा करेगा परमेश्वर तेरे साथ वैसा करेगा तू उनको क्षमा करेगा तो परमेश्वर तेरे को क्षमा करेगा इसलिए परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके जैसा मैं दूसरों को क्षमा करता हूं तू मेरे को क्षमा कर मैं जो करता हूं मेरे ऊपर ऑन माई एक्सपेंस ऑन माई रिलेशन यू ब्लेस मी मैं जैसा करता हूं वैसा धोखा है लेकिन यीशु मसीह जब मर गया क्रॉस के ऊपर तो परमेश्वर अभी हमारे ने यीशु मसीह के लिए हमको आशीर्वाद देता है आज वो बोलता है जैसा मैंने तुमको क्षमा किया वैसा तुम बाहर जाकर दूसरों को क्षमा करो जैसा मैंने कहा एक बेटा अपने बाप को बोलता है बाप मैं डैडी मैं उसको देता हूँ तू मेरे को ये दे, देख मैं उसको देता हूं तू मेरे को ये दे और दूसरा बेटा बोलता है तूने दिया है इसलिए मैं उसको देता हूं मैं उसको दे सकता हूं क्योंकि तूने मेरे को दिया है क्षमा क्या है तूने मुझे क्षमा किया करके तो मैं दूसरों को क्षमा कर सकता हूँ तूने मुझे दिया इसलिए तो मैं दूसरों को दे सकता हूँ मैं तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रार्थना के अंदर बदल कैसी हो गई यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से वचन के अंदर हम देखते है यीशु मसीह के मरने के पहले उसने क्या कहा यीशु मसीह के मरने के पहले उसने कहा कि जैसा मैं दूसरों को क्षमा करता हूँ वैसा तू लेकिन यीशु मसीह जब मरा तो हम देखते यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना की और उसके वजह से हमको क्षमा मिली थैंक यू उसके वजह से हमको क्षमा मिली आज यीशु मसीह क्रॉस पे मरा उसके लहू से तो क्षमा मिली हमको आज जैसी क्षमा हमको मिली वैसी क्षमा तो दूसरों को कर बाइबल में लिखा है बाइबल के अंदर एक उदाहरण दिया गया एक पैसे पैरबल दिया गया है जिसके अंदर येसु मसीह कहता है एक आदमी था वो अपने जो धनी था अपना जो मालक था उसको बहुत से बहुत से पैसे देना था उसको और वो दे नहीं सका और मालक ने उसको पकड़ कर लेके आया और बोला कि मेरे पैसे दे दे नहीं तो मैं तेरे ते को जेल में डालूंगा तेरी पूरी फैमिली को जेल में जाना पड़ेगा और वो रोने लगा वो गिड़ लगा वो बोला हे मालक है मेरे धनी ये मेरे पे ऐसे जुलूम मत कर मैं नहीं दे सकता मेरे को क्षमा कर मेरे को माफ कर मेरे पे दया आने दे और बाइबल में लिखा है कि वो जो धनी था उसने देखा उसको दया आ गई और उसने कहा ठीक है जाने दे मैं तुझे माफ कर देता हूँ तू पैसे नहीं भर देता है भर सकता है तो मैं तुझे माफ कर देता हूँ क्षमा कर दिया तुझे जा तेरी औरत तेरे बच्चे किसी को मैं तकलीफ नहीं दूंगा तो यहां से जा उसने धन्यवाद दे के वहां से बाहर गया बाहर जाने के बाद उसको उसका जो कर्जे वाला था उसका जो पैसे देने वाला था वो मिला और वो थोड़े पैसे उसको देना था तो ये आदमी ने उसको बोला मेरे पैसे दे मैं मेरे पैसे मांगते हैं तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है माफ़ कर मैं नहीं दे सकता तो उसने कहा ऐसे कैसे नहीं दे सकता है उसने उसके ऊपर शिक्षा करना शुरू कर दिया उसने उसको पकड़ा और उसने उसको उसको उसको, उसको शिक्षा दी और बाइबल में लिखा है कि जब इस ये आदमी को जिसने क्षमा किया था उसका जो धनी जब उसने सुना उसने इसको बुलाया वो तो बोला हे hey, दुस्टा आदमी तू इतना मेरे को नहीं दे सकता था मैंने क्षमा किया वो आदमी थोड़ा सा दे सकता नहीं दिया तो तू उसको क्षमा नहीं किया उसने पकड़ के उसको जेल में डाला और बाइबल में लिखा है कि उसको जेल में डाला उसको सजा दी और इसके पहले के तुमको पकड़ के जेल में डाला जाए ये सुमस्ह ने कहा तुम क्षमा कर दो लोगों को यहां पर हम देखते हैं कि जैसा उसने क्षमा किया वैसा तुम दूसरों को क्षमा करो मेरे भाई बहनों आज दूसरों को क्षमा करना बहुत महत्व का है तुम बोलेंगे लेकिन यह प्रार्थना लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ ये जो प्रार्थना की गई है ये येसु मसीह ने मरने के पहले सिखाई थी ये प्रार्थना आज पद्धत बन चुकी है और हम देखते ये पद्धत के अंदर लोग आज पद्धत से प्रार्थना कर रहे हैं आज बहुत से चर्चेस के अंदर ये प्रार्थना से उनको बांध कर रखा है और मैं तुमको कहता हूँ प्रार्थना करना एक तो अच्छा है बाप रे ये येशु ने सिखाया है यीशु के मुंह से निकले हुए शब्द है कौन से शब्द है हे मेरे पिता तू जो आसमान में है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी इच्छा पूरी हो जैसा आसमान में वैसा पृथ्वी पर और उसने कहा है यहाँ पर आज की रोटी तुम मुझे दे कितना अच्छा लगता है कितना आध्यात्मिक फील होता है लेकिन ये फील होता है ये अच्छा होता है लेकिन ये प्रार्थना आज के लिए है या नहीं वो हम नहीं देखते हैं मैं एक एग्जाम्पल दूंगा तुमको परमेश्वर ने मूसा से कहा जब ये लोग जंगल में थे मिस्र देश से निकल के इसराइल जंगल में थे और सब तरफ से वो परमेश्वर के विरुद्ध उन लोग परमेश्वर के विरुद्ध उन लोग बात करने लगे परमेश्वर के विरुद्ध उन लोग कुरकुर करने लगे और उस वक्त हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू एक तू एक पीतल का सांप ले सांप लेकर तू वो तू वो पत्र पॉल के ऊपर खंबे के ऊपर लगा और उसने कहा वो सांप लेके तू उसके ऊपर लगा और जो भी कोई सांप को देखेगा उसको आरोग्य मिलेगा चंगाई मिलेंगी और बाइबल में लिखा है मूसा ने वो सांप को खम्बे के ऊपर लटकाया और जित पीतल का सांप जितने भी उसको देखे उनको चंगाई मिली और वो बहुत खुश हो गए वो सांप को देख कर उनको खुशी हो गई उस वक्त उनको चंगाई मिल गई और बाइबल में लिखा है वो इवेंट बहुत ही अच्छा था और वो घटना बहुत ही अच्छा हो गई लेकिन उसके बाद हम देखते हैं हज है के टाइम पर हजाया के टाइम पर हम देखते हैं लोग वो सांप की जो पीतल का सांप था उसको एक आइडल बना दिया था उसको एक मूर्ति बना दिए थे और उसकी पूजा करने लगे थे और उनको लगा जब भी सांप काटेंगे तो शायद हमको उसको देखेंगे तो हमको चंगाई मिलेंगी लेकिन ये अभी के लिए नहीं था ये उस वक्त के लिए था जो जंगल के अंदर था और जंगल के अंदर जब लोगों को सांप ने काट रहा था ये उस टाइम के लिए था उस टाइम लोगों को आरोग्य के लिए था उस टाइम के लिए परमेश्वर ने उसको दिया था किसने बोला था उसको वो वो सांप बनाने के लिए पीतल का सांप परमेश्वर ने बोला था ये परमेश्वर की वाणी थी मूसा ने बनाया था और आज वो सांप को यहाँ पर उन लोग आराधना कर रहे थे और बाइबल में लिखा है कि ऐसे काया ने बाइबल में लिखा है ऐसे काया ने वो सांप को तोड़ दिया जब उसने वो सांप को जो पीतल का सांप था उसको तोड़ दिया बहुतों को बुरा लगा होगा बहुतों को लगा हुआ परमेश्वर के वचन का कहा हुआ तोड़ दिया है बहुतों को लगा हुआ अभी इसके ऊपर अभी इसके ऊपर शाप आ जाएगा अभी इसके ऊपर पाप आ जाएगा इसने क्या कर दिया है तो इसने बहुत भयंकर काम किया है लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर उससे खुश हुआ क्यों खुश हुआ क्योंकि उसने पद्धत को तोड़ दी परमेश्वर पद्धत नहीं बनाना चाहता है वो सांप किसने बोला था परमेश्वर ने बोला था पीतल का साहब किसने बनाने वाला था परमेश्वर ने बोला था लेकिन वो तो वो समय के लिए था किसने बनाया था मूसा ने बनाया था लेकिन वो समय के लिए था ये प्रार्थना किसने बोला था हाँ यीशु ने बोला है और किसने कहा है प्रार्थना करने के लिए यीशु ने किसको कहा है शिष्य को कहा है लेकिन ये वो समय के लिए कहा था और आज उसको हमने पद्धत बना के रखी है और ये पद्धत के अंदर से हमको थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करना है हमको अपने आप की उन्नति करना है अगर जो हमको पद्धत करना है तो हम पद्धत में रह सकते हैं लेकिन पद्धत से कुछ फायदा नहीं हमको अभी परमेश्वर के नाते में आत्मा से आगे बढ़ना है यह पद्धत को पवित्र आत्मा के नाते से रुकाने की कोशिश कर रहे वो मत होने दो इसके आगे का हम पढ़ेंगे मत के छवे अध्याय नौवे वचन में हम देखेंगे और हमें परीक्षा में न ला और हमें परीक्षा में म, न ला परंतु बुराई से बचा परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा के लिए तेरी है हमें परीक्षा में मत ला हमें बुराई से बचा हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर हमें परीक्षा में मत ला हमें बुराई से बचा लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे के ऊपर नाना प्रकार की परीक्षा आएंगी लेकिन ये परीक्षा के अंदर से जाने के लिए घबराना नहीं क्योंकि परमेश्वर ने परीक्षा के लिए हमारे पे कृपा दी है बुराई से बचा शैतान से डरो मत बाइबल में लिखा है रजिस्ट द सेटन एंड ही शैल फ्ली अवे शैतान को भगाओ शैतान को धमकाओ और वो निकल जाएगा ध्यान रखना यीशु मसीह मरने के पहले नए करार बनाने के पहले पवित्र आत्मा आने के पहले सब अधिकार परमेश्वर के हाथ में था लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है यीशु मसीह मरा यीशु मसीह मर के जी उठा और उसने सब अधिकार शिष्यों के हाथ में दिया उसने कहा अभी इस दुनिया के अंदर सब अधिकार मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ मैं जो दुनिया में किया अभी तुम कर सकते हो अभी अधिकार में तुमको देता हूँ अभी मेरे नाम से तुम आगे जाओ और ये अधिकार तुम करो और तुम शैतान को भगाओ उसके बाद हम देखते हैं पीटर और जॉन प्रेरित के कार्य के तीसरे अध्याय में हम देखते हैं ब्यूटीफुल गेट के पास पीटर और जॉन दोनों भी अंदर जा रहे हैं अंदर जाते टाइम हम देखते हैं वो जो वहाँ पर जो लंगड़ा आदमी था उससे दोनों भी कहते हैं सोना चांदी हमारे पास नहीं है लेकिन जो हम है पास है वो यीशु के नाम में हम तुझे कहते हैं उठ और चलने लगा वो बाइबल में लिखा है वो उठ कर चलने लगा मैं तुमको सच कहता हूं यहाँ पर आज के पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर आया है तो वो बोलता है मेरे पास प्रार्थना मत करो तुम अधिकार करो तुम निकालो यीशु के नाम से तुम शैतान को बोलो जा तो शैतान जाएगा ये जूने करार में नहीं था ये यीशु मसीह के क्रॉस के ऊपर मरने के पहले नहीं था मरने के बाद जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया जैसा मैंने गए मैसेज के अंदर कहा कि यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भर गया चालीस दिन जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह से भर के चालीस दिन जब वो जंगल में गया वहाँ से बाहर आया तो सामत से आया और उसके बाद देखो उसके पहले कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं है लेकिन उसके बाद में जब देखोगे तो उसके अंदर तुमको मालूम पड़ेगा शैतान यीशु मसीह को देख चिल्लाने लगा और वहां पर वी कैन सी मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेट पवित्र आत्मा के अंदर बना बाइबल में लिखा है वो प्रार्थना आज बदल गया आज परमेश्वर है मेरे पास क्यों मांगते हो मैंने तुमको दिया हूं वो प्रार्थना वो टाइम के लिए थी वो प्रार्थना परमेश्वर ने उस समय के लिए दी उस लोगों को दी वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे आज वैसी प्रार्थना को हम सिर्फ ट्रेडिशन बना के हर जगह के ऊपर मैंने ये प्रार्थना हर जगह के ऊपर लोगों को प्रार्थना करते हुए सुना है वो प्रार्थना के अंदर करते वक्त वो हम देखते हैं उसका मतलब हो या न हो उसको एक अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है तुमको और एक बात और एक एग्जाम्पल मैं तुमको देता हूँ परमेश्वर ने नूह से कहा कि एक बड़ा तारू बांध और हमने देखा नूह ने तारू बांधा और तारू बांधने के बाद हम देखते पूरी दुनिया पानी के अंदर डूब गए लेकिन वो जो जहाज था वो जहाज ने नोआ और उसके फैमिली को बचाया उसके बाद में हम देखते हैं नोआ उसके फैमिली बाहर आ गए बाहर आने के बाद सब जानवर बाहर आ गए और बाहर उन्होंने वापस नई सृष्टि पुनः स्थापना किया और हम देखते हैं उन लोग वापस बढ़ने लगे लेकिन वो तारू का जिक्र कहीं पर नहीं है वो जहाज़ का जिक्र कहीं पर नहीं है वो जहाज कहाँ पर है वो कहाँ पर गया पता नहीं कोई बोलता है वो जहाज वहाँ मिला वो जहाज वहाँ मिला पता नहीं वो जहाज़ कहाँ पर गया लेकिन मैं आज तुमको बोलता हूँ अगर जो कोई तुमको बता दे कि वो जहाज़ आज यहाँ पर है वह जहाज़ मिल गया है वो जहाज शायद तुम्हारे घर के नज़दीक है वो जहाज़ यहाँ पर है तो क्या तुम दौड़ते हुए वो नोहा की आज्ञा पालोगे और जहाज के अंदर जाके बैठोगे क्या बैठोगे कितने लोग जाके बैठेंगे कितने लोग जहाज के अंदर दौड़ते हुए जाके बैठेंगे कह, ने कहा परमेश्वर ने कहा हाँ, परमेश्वर ने कहा परमेश्वर ने कहा जहाज किसने बांधने बोला परमेश्वर ने बांधने बोला नुहा ने किसको बोला परमेश्वर ने बोला उसको नुहा ने सबको बोला परमेश्वर बोला है और परमेश्वर का प्रचार किया है आज तुम क्यों नहीं मानना है आज तुम क्यों अंदर जाके नहीं बैठते हो आज क्यों नहीं अपने आप को बचाते हो लेकिन वो जहाज़ एक सिर्फ यादगिरी के लिए है आज उससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो जहाज़ में ना आज तारन है वो जहाज़ में ना आज पानी से बचाना है वो जहाज में आज कुछ वो जहाज़ वो टाइम के लिए था उसी तरह से बहुत सी बातें जब परमेश्वर ने कही मसीह ने कही वो उस दिन के लिए था आज के लिए नहीं है आज जब पवित्र आत्मा से भरे हो तो आज के लिए परमेश्वर तो जब भी हम देखेंगे ये ट्रेडिशन को तोड़ दो ये ट्रेडिशन को तोड़ दो ये पद्धत को तोड़ दो पद्धत किस लिए कही है क्यों बनाई गई ये देखा करो और पद्धत को तोड़ के आज हम परमेश्वर के सामने आएंगे और परमेश्वर के नाते के अंदर बनेंगे मेरे को एक याद है एक टाइम एक साधु था ये साधु प्रार्थना करने को बैठता था इसका प्रार्थना का जो तो समय था वो प्रार्थना का समय शाम को पाँच से लेकर सात बजे तक था और ये जैसा प्रार्थना के लिए बैठने का उसके पास एक काली बिल्ली थी वो बिल्ली आके प्रार्थना के टाइम पर वहाँ पर उसको बहुत तकलीफ देने की साधु हमेशा देखने का वो बिल्ली आके उसको प्रार्थना के अंदर तकलीफ डालने की तो वो साधु ने क्या किया उसने अपने शिष्य को बोला वो बिल्ली को पकड़ और वहां पर बांध कर रख जब तक मेरी प्रार्थना पूरी नहीं होती तब तक वो बिल्ली को बांध कर रख तो उस वक्त जब वो प्रार्थना को बैठता था तो वो बिल्ली उसको तकलीफ देती थी तो बिल्ली को बांध कर रखते थे छह से सात पांच से सात बजे तक रोज शाम को और ऐसा हो गया थोड़े दिन के बाद वो साधु मर गया साधु मर गया तो उसके बाद उसका जो असिस्टेंट था था वो 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 पर बैठने लगा और वो भी मनन करने लगा और और भी मनन मनन करने करता था, तो बिल्ली को वापस पांच से सात काली बिल्ली को वहां पर बांध कर रखते थे अभी ऐसा हो गया कि ये भी ये भी मर गया और तीसरा आया और तीसरा आया और उस वक्त जो काली बिल्ली थी वो काली बिल्ली मर गई उन्होंने क्या किया ढूंढ कर काली बिल्ली को ढूंढ कर निकाल के आया वो बोले नहीं नहीं ये हमारे जो बड़े साधु थे उन्होंने सिखाया था कि जब भी प्रार्थना के लिए बैठे तो काली बिल्ली को यहाँ पर बांध कर रखना काली बिल्ली को यहाँ पर बांध कर रखना उनको ये नहीं मालूम था काली बिल्ली को क्यों बांधा था उनको ये नहीं मालूम था काली बिल्ली डिस्टर्ब करती थी इसलिए उनको ऐसा लगा काली बिल्ली को वहाँ पर रखना है दूसरी काली बिल्ली मर गई तो तीसरी को लेकर आए तीसरे वैसा उन्होंने एक पद्धत बना दी पता नहीं क्यों बांधते हैं हम लेकिन इतना मालूम है साधु ने बताया था ऐसे ही पद्धत है आज आज हमको पता नहीं बहुत सी बात हम क्यों करते हैं मेरे डैडी ने सिखाया मेरे ग्रैंडफादर ने सिखाया मेरे इसने सिखाया मेरे उसने सिखाया लेकिन वो क्यों सिखाया वो क्या बात थी वो नहीं मालूम यीशु मसीह ने सिखाया लेकिन उसने क्यों सिखाया क्या बात थी जब मूसा ने वहां पर पीतल का सांप बनाया क्यों बनाया वो उस वक्त क्या समय था जब नोहा ने तारू बनाया जब नोहा ने जहाज बनाया तो क्यों बनाया था उस वक्त क्या समय था और इस वक्त यीशु मसीह ने प्रार्थना की है आ, क्यों बताई है वो क्यों समझता ये देखना मेरे भाई बहनों बहुत ही महत्व का है आज मैं तुमको सच कहता हूं वो नुआ के जहाज में जाके बैठोगे कितना अच्छा लगेगा बाप रे ये नुहा का जहाज है बाप रे परमेश्वर ने बोला था बाप रे नोहा ने बनाया था अरे बाप रे मैं वो जहाज में बैठा हूं मेरे को कितना अच्छा लगता है मेरे को पवित्र लगता है मेरे को पवित्र आत्मा का स्पर्श होता है लेकिन कुछ फायदा नहीं है वैसे आज हम बोलते ये प्रार्थना हम करते कितना अच्छा लगता है विफिक होली वी हैपनिंग लेकिन कुछ फायदा नहीं है क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे हुए और हम ध्यान रखें हम कबूली करें कि हम परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है हम लोगों का न सुने हम पवित्र आत्मा से चलाए गए लोग हम परमेश्वर सुनकर आगे आगे जाएंगे आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूं आज शाम को प्रभु तूने हमारे साथ बात की प्रभु हम धन्यवाद देते वचनों के लिए धन्यवाद देते दे कि तूने हमको प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से प्रभु तूने हमें तेरा पवित्र मंदिर बनाया तेरे लहू से तूने हमें प्रभु शुद्ध किया और प्रभु तेरा आत्मा से तूने हमें भरा इसलिए धन्यवाद करते आज हमें तूने तेरा पुत्र बनाया इसलिए हम धन्यवाद देते आज ट्रेडिशनल नहीं लेकिन रिलेशनशिप तो हमें चलाते इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु क्या आज हम प्रभु कोई डिनोमिनेशन के नहीं हम यशु मसीह के प्रभु परमेश्वर बच्चे है हम धन्यवाद देते हम तेरी स्तुति करते तेरी आराधना करते हैं सबको आशीर्वाद दे सबके घर को आशीर्वाद दे सबके प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते इसलिए सुन आमेन 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 परमेश्वर तुम सबको आशीर्वाद दे